उन्हाना के पिपरौली गांव में 30 सालों से चल रहे जमीनी विवाद को हाई कोर्ट के आदेश व पुलिस बल की मदद से कराया गया कब्जा मुक्त। पुनाना के पास पिपरौली गांव में कुछ दबंगों ने पंचायत की जमीन बहुत सालों से अपना कब्जा जमाए हुए था। आज पुलिस बल की मदद से ये कब्जा हटाया गया। जेसीबी मशीन से बने मकानों को तोड़ा गया और खड़ी फसलों पर भी ट्रैक्टर चलाकर नष्ट कर दिया गया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट अमित चौधरी की मौजूदगी में आज कब्जे को हटाया गया। उन्होंने बताया कि यह जमीन 53 कनाल 16 मरला है, जिस पर गांव के दबंग लोगों ने 30 सालों से अपना कब्जा कर रखा है। हमने पहले जमीन पर कब्जा करने वालों को नोटिस दिया, फिर भी जगह खाली नहीं की, तब हाई कोर्ट के आदेश अनुसार आज पुनाना व पिंगनवा पुलिस प्रशासन गांव के सरपंच पति हनीफ की मदद से आज ये कार्रवाई की और इस जमीन पर काम चालू कर दिया। गांव वासियों से भी पता चला कि ये जमीन पंचायत की है, जो करीब 9 एकड़ में फैली हुई है। इस जमीन पर गांव के कुछ लोगों ने अपना कब्जा किया हुआ था, जो कि नाजायज था। सर क्या मामला है पूरा? ये ग्राम पिपरौली का पंचायत को खेत मिले, ग्राम पंचायत में यहाँ पे पंचायत की जमीन थी लगभग 57 कनाल के करीब, इस पे गांव के लोगों ने नाजायज कब्जा किया हुआ था। आज प्रशासन की सहायता से वो कब्जा हमने दखल पंचायत को दे दिया और पंचायत के हैंड ओवर कर दिया जमीन। बिल्कुल सारी जमीन कब्जा मुक्त कर दी गई है। कब्जा मुक्त है जमीन, आपने देख ही लिया। कितने कीले हैं करीबन? लगभग 57 कनाल के करीब है। अच्छा, 57 कनाल के करीब जमीन आई है, उस पर हमने हैंड ओवर कर दिया पंचायत को। कितने साल से कब्जा था इसके? कब्जा तो काफी पुराना है, लगभग 7-8-10 साल से होगा। वो गांव के लोग थे या कहीं? गांव के लोग थे, यहीं के बाशिंदों ने कब्जा किया हुआ था, जिसका क्लियर कर दिया हमने। ठीक है, क्या मामला था? ये ग्राम पंचायत का मामला है, पंचायत जमीन का। BDO साहब ड्यूटी मजिस्ट्रेट अपॉइंट है, मैटर हाईकोर्ट में भी पेंडिंग है कब्जा हटाने के लिए। बार बार इनको प्रॉपर लीगल प्रोसीडिंग की गई है और अपने ड्यूटी मजिस्ट्रेट अपना काम कर रहे हैं। कोई दिक्कत प्रशासन की तरफ से, गांव वालों की तरफ से? कोई नहीं, गांव वाले पूरा सहयोग कर रहे हैं, मान रहे हैं इसमें नाजायज कब्जा है। मतलब आप ये मानते हो कि नाजायज कब्जा? बड़ी टेंशन होती है। नहीं, कोई टेंशन नहीं है, सरकार खाली करवाने में, कोई खाली कराने में दिक्कत नहीं है। सरकार गांव वालों की तो जमीन है ये, हम प्रशासन थोड़ी इसको लेगा। भाई खाली हो जाएगी जमीन तो गांव वालों की काम आनी है, सबकी सामूहिक जगह है, सारे गांव की जमीन है। तो आप इस कब्जा खाली करा रहे हो? कितने पुलिस फोर्स लगाई इसमें? हमारे पास 2 रिजर्व वहां से आई हैं और कम से कम 100 से ऊपर मुलाजिम है। आसपास के सभी थानों की फोर्स है, सभी SHOs मौजूद हैं। कोई गांव की तरफ से कोई दिक्कत का सामना करना पड़ा पुलिस प्रशासन? कोई दिक्कत नहीं, सब लोग बड़ा सहयोग कर रहे हैं, मान रहे हैं सब चीज। हाँ भाई, अभी आपसे पहले गुजर ने इंटरव्यू दिया था, मान रहा है जी, हाँ जी, नाजायज कब्जा है, नाजायज कब्जा, गांव का कब्जा है। गांव का सरपंच ने अपनी पैरवी करके अपना कब्जा हटा रहे हैं, एक नॉर्मल तरीका से सब काम हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, ये तो हम तो करते रहते हैं, हमारा रूटीन वर्क। बोलो गैप देते जो इनने आराम से टुकड़ी न हटा ले, वहाँ अपना भाषण भांडा नहीं बातें और ये ज्यादा साल छोड़ो से इनने मतलब कट जावा, घर मारो से आ जाए एक महीना हो तो तेरो ये बातें बिल्कुल साफ कर देंगे। मैं बता रहा हूँ, मैं तो बिल्कुल अपना है बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। अच्छा सुनो, आपको कुछ भी मत हो, आपको नोटिस नहीं दिया गया पहले? ना जी, मेरे पे कोई नोटिस, कोई सूचना नहीं है आप पे? नहीं, आज तक भी कोई नोटिस नहीं था। मतलब सीधी कार्रवाई हो रही है बिगर नोटिस के? हाँ, बिगर मेरे पे तो आया ना जो आज तक भी पूछ लिया है, मतलब। अरे आप इधर बात करो, मैं क्वेश्चन कर रहा हूं। सर्दी का टाइम है, बच्चे हैं बाहर, अब क्या करोगे? अब इनने थोड़ा सा सर्दी निकल जाए फिर अपना बच्चा ने निकाल के और बाहर। कोई रुकने का आपको और साधन है गांव में, कहीं रहोगे? मतलब कुछ ना कुछ करेंगे, जगह तो ना है लेकिन कुछ ना कुछ करेंगे। मतलब ये मानते हो जगह आपकी नहीं है, जगह पंचायत की है, मानते हो ना आप? हाँ बिल्कुल मानते, नाजायज बिल्कुल नाजायज कब्जा है, बिल्कुल नाजायज। क्या नाम है आपका? अली मोहम्मद। अली मोहम्मद, ठीक है। क्या नाम है जी? अली सरपंच। आप जी, क्या मामला है पूरा? ये पंचायत की जगह थी जो इसमें कब्जा था, इसका क्या कहना? पंचायत की जमीन है जी, ये अवैध कब्जा हुआ है, इसमें 30 साल से। कितनी जमीन थी? ये जमीन है जी 53 कनाल 16 मरला, कास्टो और कुछ मकान बन रहे हैं। इससे पहले आपने इसको अवगत कराया, नोटिस हुआ इसका? काफी नोटिस कराए जी, सब कुछ करा दिया जी, कई कई बार ला दिया। BDO साहब ने भी इसमें 4 साल से चल रही है जी, 4 साल से नोटिस, कम से कम 20 तारीख लग चुकी है इसमें। सर मतलब एक बात देखी गई, जब ये कब्जे होते हैं जी, जब पंचायत कहाँ होती है? पहले जी पंचायत हमारे लोहिंगा में थी। हाँ। वो लोहिंगा में थी, लंबी पंचायत थी, इस पे वो ध्यान नहीं देते थे, इस वजह से वही दबाते थे लोहिंगा वाले। कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि पहले कब्जा करवाया जाए, इसको छुड़वाया जाए बाद में? ना ना ना, ऐसा नहीं। आपको परेशानी हो, जिनने कब्जा बना लिया, पक्के मकान बना लिए, उनको परेशानी हो? ना ना बिल्कुल ना जी, कब्जा तो कब्जा ही, बिल्कुल ना जाए, ना जाए कब्जा तो छोड़ा जाए, पंचायत की जमीन पंचायत को सौंपी जाए।